ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रामनगर से खबर है, धनघड़ी के बरसाती नाले में वही कार में सवार थे 4 शख्स। रामनगर से सल्ट की तरफ जा रहे थे ये सभी कार सवार, अचानक बरसाती नाले में तेज पानी आ गया, बाल बाल बचे हैं चारों शख्स। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है चारों को। रामनगर से सल्ट की तरफ कार सवार जा रहे थे ये चारों शिक्षक बताए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार बरसाती नाले के उफान में आने की वजह से बह गई और चारों शिक्षक बाल बाल बचे हैं। तेज पानी के बहाव के बीच कार जा पहुंची, हालांकि रेस्क्यू किया गया, तुरंत बाहर निकाला गया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप नाले का बहाव भी देख सकते हैं, भार कितनी तेज है। ये गाड़ी जो फंसी हुई है, बताया जा रहा है इसमें 4 शिक्षक है और रेस्क्यू जब टीमें कर रही थी उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार में 4 शिक्षक सवार थे और गनीमत ये रही कि चारों सुरक्षित हैं। हालांकि इस वक्त में जब नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, प्रशासन की अपील को मानने की जरूरत है। जान जोखिम में डालकर नदी नालों को लोग पार करते हैं और उसके बाद किस तरीके से हादसे होते हैं उनके साथ, उसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि चारों शिक्षकों को रेस्क्यू कर लिया गया है सुरक्षित, बाल बाल बचे हैं चारों शिक्षक। तो बरसाती नाले में वही कार, हालांकि चारों कार सवारों को बचा लिया गया है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, तुरंत टीमें वहां पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो रामनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है किनारे पर और बीच में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रामनगर से सल्ट जा रहे थे ये कार सवार, लेकिन जो मंजर है वो आपकी आंखों के सामने है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से बरसाती नाले में कार बही है, कार सवार बाल बाल बचे हैं यहां पर। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि घर से निकलते वक्त सोचा नहीं होगा इन कार सवारों ने कि ये रास्ता उन्हें कुछ इस तरीके से आगे लेकर के जाएगा। बस गनीमत ये रही कि बाल बाल बची है। धनगढ़ी के बरसाती नाले में कार के बहने की ये तस्वीरें, ये मंजर आपके सामने है, ये रामनगर से है और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, जेसीबी नजर आ रही है इसकी मदद से रेस्क्यू किया गया है तमाम लोगों को। ये कार है जो आपको बीच में दिखाई दे रही है टापू में फंसी हुई। ज्यादा जानकारी सहयोगी दानिश खान के पास है, उनका रुख करते हैं। दानिश ये बताइए कि क्या जानकारी है मौजूदा स्थिति और किस तरीके से रेस्क्यू किया गया लोगों का। देखिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह का समय था, ये 4 शिक्षक एक गाड़ी से रामनगर से सल्ट की ओर जा रहे थे क्योंकि वहां इनको स्कूल में अपनी हाजिरी दर्ज करानी थी। तभी अचानक तेज बारिश होने से बरसाती नाला है धनगढ़ी का, जहाँ हर बरसात में कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है, इस बार भी हादसा हुआ। इनकी गाड़ी पानी में फंस गई, जिसके बाद ये गाड़ी बहने लगी। इन लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, तत्परता दिखाते हुए वन विभाग की टीम ने वहां पर इनको बचाने की कोशिश की, इनको बचा लिया गया। वहीं उसके बाद पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंच करके पुलिस ने इन सभी का रेस्क्यू किया है। गाड़ी को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, रास्ता अभी थोड़ा बहुत खोल दिया गया है जिसमें बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को अभी वहां पर रोक दिया गया है और अभी रास्ता एक तरह से कहेंगे जाम है क्योंकि पानी काफी है और अभी भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बरसात पहाड़ों में हो रही है उसमें पानी आने। वैकल्पिक रास्ता क्या है दानिश, जिस रास्ते को दिखा रहे हैं सल्ट जाने का, उसका वैकल्पिक रास्ता क्या है? क्योंकि इस रास्ते की स्थिति देख करके अगर रात का वक्त होता तो फिर किस तरीके से लोग अपने आप को बचा पाते?
कोई भी वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। सरकार ने यहाँ पर पुल बनाने की कवायद शुरू की है, जो कि लगभग 18 महीने में बनके तैयार होगा। तब तक इसी रास्ते को लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी ज्यादा होने पर लोगों को अपनी गाड़ियां दूर खड़ी करके इंतजार करना पड़ता है पानी कम होने का। उसके अलावा अभी कोई भी वैकल्पिक रास्ता सरकार ने या स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर यही परिस्थिति है और पुल बनाने की कवायद अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों के लिए बहुत मुश्किल का ये वक्त। गनीमत ये रही कि चारों शिक्षक सकुशल हैं, मुस्तैदी दिखाकर इन्हें बचा लिया गया है, लेकिन यही वो इकलौता रास्ता है जिससे सफर तय किया जा सकता है। शुक्रिया दानिश तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है हल्द्वानी से, जहां लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। हीरानगर इलाके में लड़कियों के दो गुट में मारपीट हुई है। हीरानगर स्थित पुलिस योगा पार्क के बाहर मारपीट कहासुनी के बाद लाठी डंडे भी चले, ये भी खबर आ रही है। तो दो गुट है लड़कियों का जिनके बीच मारपीट हो गई। शुरुआत कहा सुनी से हुई, लेकिन बात आगे बढ़ने चली गई और किस कदर बढ़ी जरा देखिए। अब ठीक है, दे रही डंडे। अरे देखना भाई, ओबे वाह वाह, हां पुलिस आ गई। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर ये बहसबाजी चलती रही, ये मारपीट चलती रही और ये मारपीट का वीडियो वायरल बताया जा रहा है। ये देखिए लाठी डंडे चल रहे हैं, आपस में मारपीट का वीडियो लोगों ने बनाया है, कैद किया है। दो गुट है जिनके बीच ये लड़ाई चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं। हीरानगर इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए आसपास के लोग वीडियो बना रहे हैं और बकायदा सड़क पर मारपीट चल रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। पुलिस आ गई के मौके पर, पुलिस के आने के बाद डंडा 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 डंडा। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये मारपीट होती रही। ठीक है, दे रही डंडे और लोग वीडियो बना रहे थे इस मौके पर। देखिए दो पक्ष हैं, पुलिस आ गई। हीरानगर इलाके में मारपीट हुई हल्द्वानी के। डंडा डंडा डंडा, काफी देर तक यही माहौल बना रहा। जब पुलिस आई तब मामला शांत हो पाया। ओबे वाह वाह, पुलिस आ गई। हल्द्वानी से तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए गाली गलौज होता रहा, लाठी डंडे चलते रहे और आसपास के लोग वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, क्या है ये मामला, क्यों हो रही है इस कदर लड़ाई? देखिए आपको बता दें कि लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया में एक लड़कियों की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। हल्द्वानी के हीरानगर क्षेत्र का मामला है और योगा पार्क के बाहर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर लड़कियां आपस में लड़ रही हैं और साथ साथ डंडों से भी एक दूसरे पर वार कर रही है। और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले हीरानगर क्षेत्र में कई बार आ चुके हैं, लेकिन पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कौन है ये लड़कियों का दो गुट और इस तरीके से लड़ाई की वजह क्या पता चली है? देखिए अभी फिलहाल ये है कि पता ये लगा है कि योगा पार्क में अक्सर यहाँ पर लड़कियाँ योगा करने आती हैं, साथ साथ उनके साथ उनके दोस्त लोग भी योगा करने आते हैं। आपस में कुछ कहा सुनी हुई है, पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और जैसे जांच जो नजर पाएगी उस पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जितने भी इस तरह के योगा पार्क है वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी पुलिस का बंदा वहाँ पर तैनात नहीं रहता जी। जाहिर सी बात है और ये तस्वीरें लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन गई हैं। लड़कियों के दो गुट को मारपीट करते हुए वीडियो बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आपको बताएं एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। पशुपालन विभाग के घोटाले पर सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीपी मनोज सिंह, एसीएस देवेश चतुर्वेदी अब जांच करेंगे। 7 दिन के भीतर उनको शासन को रिपोर्ट भी सौंपनी है, ये निर्देश दिए जा चुके हैं। पशुपालन विभाग में 50 करोड़ से अधिक घोटाले का मामला उजागर हुआ था। हमने आपको एबीपी गंगा पर ही यह खबर दिखाई थी और इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा, उनका रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये खबर सामने आई और एबीपी गंगा ने भी इस खबर को उजागर करने का काम किया, अब इस पर जांच के लिए किस किस को बुलाया गया है और कब तक रिपोर्ट देनी है, क्या डिटेल्स है?
देखिए इस पूरे मामले में अगर बात करें तो एसपी गंगा ने खबर दिखाई थी पशुपालन घोटाले की, किस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ उपकरणों की खरीद में। और उसके बाद में देखिए पहले इस मामले पे जांच के आदेश दिए थे अपर मुख्य सचिव जो है पशुपालन में पशुधन विभाग के रजनीश गुप्ता ने, और उन्होंने एक विशेष सचिव को ये जांच सौंपी थी इतने बड़े घोटाले की, और उन्हें एक महीने का वक्त दे दिया था, जबकि प्रथम दृष्टया चीजें उसमें क्लियर थी कि घोटाला हुआ है। इसके बावजूद रजनीश गुप्ता ने एक महीने का वक्त दिया, लेकिन जब मामला उठा एबीपी गंगा ने इसको प्रमुखता से उठाया, उसके बाद में अब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और एक हफ्ते के अंदर जांच के निर्देश दिए। और इस बार जो जांच के निर्देश है देखिए वो कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह और अपर मुख्य सचिव जो है देवेश चतुर्वेदी उनको दिए गए, यानी दो सीनियर मोस्ट आप कहिए आईएएस मुख्य सचिव के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त का पद होता है, इतने सीनियर अधिकारियों को, और एक हफ्ते के अंदर कहा इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। और देखिए इस जांच रिपोर्ट के बाद कई लोगों पर गाज कितना भी तय है, क्योंकि अगर हम खरीद की बात करें तो उसमें आप ये देखें कि किस तरह से जो कोल्ड बॉक्स थे, जो कोल्ड बॉक्स मध्य प्रदेश में 50,000 से कम में खरीदा जाता है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग के अधिकारी 1,27,000 से ऊपर में खरीदते हैं, जो N95 मास्क उसकी आप बात करें देखिए यहाँ तो बल्क परचेज है, उसके बाद जो 96.5 रुपए का एक N95 मास्क खरीदा जाता है, यानी जो 3 गुना से ज्यादा कीमत समझ सकते हैं उसकी ली जाती है, और ये तब स्थिति है जब बल्क परचेज हो रहा है, ये नहीं कि हम और आप बाजार में गए रिटेल में एक मास्क ले रहे तब ये रेट मिलते हैं। इसी तरह से आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की बात की जाए उसमें चीजें सामने आई, और इस पूरे मामले के साथ में दवाओं का भी देखिए मामला, ये तो बात हुई उपकरण खरीद की, इसके अलावा जो दवाएं थी वो सब स्टैंडर्ड मिली उसको लेकर रिकवरी के आदेश चल रहे हैं, तो उस मामले में भी मुख्यमंत्री बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा शैलेश, ये जनता का पैसा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, इसकी रिकवरी और तमाम चीजों में जो गड़बड़ियां हुई है उसे दुरुस्त करना और कार्रवाई पारदर्शी कितनी होगी जांच, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।